हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। अनअकैडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू अनअकैडमी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। और मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे आज हमारे, और स्पीड से करेंगे क्लास को शुरू और ख़त्म। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा दो क्लास कवर हो चुका है। अभी हमारा तीसरा क्लास है 12 बजे वाला, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। उम्मीद है पढ़ा होगा आपने। मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, करना ये है कि क्वेश्चंस रहेंगे और आपको उसका आंसर देना है, देन उसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और आपको बता दें कि रात में 10 बजे हमारी एक फ्री क्लास चल रही है एमपी की, फ्री क्लास चल रही है एमपी की रात में 10 बजे। तो उसके लिए टाइम टेबल हमारा ये है, रात के 10 बजे के लिए। तो आज रात में 10 बजे हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग और व्यापार। ये रात के 10 बजे के लिए तैयार रहना आप। ठीक है, बाकी अभी जो क्लास है वो प्राचीन इतिहास का है। पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भीमबेटका की गुफाएं कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? पता है आपको? सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, बिजावर। आपको बताए कि जो सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, बिजावर कहाँ पर है? भीमबेटका, भीमबेटका जो है आपका वो किस श्रेणी का हिस्सा है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का आंसर आया है हमारे पास बी। ए बी ज्यादा लोग लगा रहे हैं, ए भी लगाया है कुछ लोगों ने। ठीक है, बी मैक्सिमम लोग बी लगा रहे हैं। चलो, तो इसका सही आंसर है बी, विंध्याचल। तो जो भौगोलिक दृष्टि से बात कर रहे हैं अगर गुफाओं की, तो ध्यान देना भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, और महाभारतकालीन पांडु पुत्र भीम जो है उसके नाम पर इसका नाम भीमबेटका पड़ा। याद रहेगा, पांडु के पुत्र भीम जो थे उसके नाम पर भीमबेटका पड़ा, भीमबेटका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, भीमबेटका के बाद में हमारा अगला है, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? मृगेंद्र नाथ की गुफाएं विदिशा, सिंगरौली, सीहोर, रायसेन। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? विदिशा, सिंगरौली, सीहोर, रायसेन। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ पर है? तो मैक्सिमम लोग इसका आंसर लगा रहे हैं डी, रायसेन। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं स्पीड से करते चलो। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं जो है आपके ऑप्शन डी आएगा, रायसेन। ठीक है, देखो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं रायसेन जिले भीमबेटका की गुफाओं से 50 किलोमीटर दूर पाटनी गांव में स्थित है। यह प्रश्न बन सकता है पाटनी गांव में स्थित है। तो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ पर है? रायसेन के पाटनी गांव में स्थित है। और बढ़िया, ठीक है, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं रायसेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में बूढ़ी माई शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में बूढ़ी माई शैलाश्रय कहाँ पर है? तो सिवनी, मालवा, होशंगाबाद, मुलताई, बैतूल, बुधनी, सीहोर, भियापुर, रायसेन। मध्य प्रदेश में बूढ़ी माई शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? बूढ़ी माई शैलाश्रय, बूढ़ी माई रॉक शेल्टर कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? बूढ़ी माई शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 3, ए आ रहा है, डी आ रहा है, बी भी लगा रहे हैं कुछ लोग बूढ़ी माई शैलाश्रय के संबंध में, और डाउट आ रहा है काफी लोगों को। बूढ़ी माई शैलाश्रय होशंगाबाद के सिवनी मालवा में स्थित है। ध्यान देना, बूढ़ी माई शैलाश्रय होशंगाबाद, जिसका नया नाम क्या हो गया है? नर्मदा पुरम। नर्मदा पुरम जो है आपका वहीं पे स्थित है, सिवनी मालवा। आगे आपका सिवनी मालवा के बाद रॉक शेल्टरों इन मध्य प्रदेश, रॉक शेल्टरा इन मध्य प्रदेश शीर्षक के साथ में चित्रों का वर्णन किस पुरातत्व शास्त्री ने किया है? मतलब एक बुक लिखा है, एक किताब है उनकी जिसका नाम है रॉक शेल्टरा इन मध्य प्रदेश। उस बुक में मध्य प्रदेश के अलग अलग रॉक शेल्टर के फोटो है। ये बुक किसकी है? तो ऑप्शन है आपके जी आर हंटर की, एलेक्जेंडर कनिंगम की,
रॉबर्ट बूम की या फिर वीएस वाकणकर की? हाँ ये 1 तारीख से लेंगे, ठीक है बादल, 1 तारीख से लेंगे, 1 तारीख से इस महीने के अंदर खत्म करके 1 तारीख से लेंगे। तो बढ़िया, तो रॉक शेल्टरा इन मध्य प्रदेश शीर्षक के साथ में। नमस्ते नमस्ते, हेलो नमस्ते, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, वीएस वाकणकर। 1957 में, 1957 में, 1957 में प्रोफेसर जो वाकणकर थे हमारे, उन्होंने खोज किया था काफी सारे शैल क्षेत्रों का, और उन्होंने ये बुक लॉन्च किया था। ठीक है आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इनमें से चार जोड़े दे रखे, आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। मामा भांजा शैलाश्रय पनार पानी पचमणी, भानपुरा शैलाश्रय मंदसौर, प्रेम साई शैलाश्रय नरसिंहपुर, सतकुंडा शैलाश्रय विदिशा। इसमें से कौन सी जोड़ी जो है जो सही नहीं जमी है, कमेंट करके बताएं फटाफट से, कौन सी जोड़ी जो आपको लग रही है गलत। कौन सी जोड़ी है जो आपको गलत लग रही है, जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। बढ़िया, तो मैक्सिमम लोग सतकुंडा शैलाश्रय के साथ जा रहे हैं, और इसका सही आंसर है आपका सतकुंडा शैलाश्रय जो रायसेन में है। ठीक है, सतकुंडा शैलाश्रय कहाँ पर है? रायसेन में है, और इम्पोर्टेंट है सतकुंडा शैलाश्रय। ठीक है ध्यान देना, विदिशा में नहीं है, सतकुंडा शैलाश्रय कहाँ पर है? रायसेन में स्थित है, यह याद रखो, सतकुंडा शैलाश्रय। ठीक है चलो आगे देखना। सतकुंडा के बाद मध्य प्रदेश का वह स्थल जहां पर हाथी दांत की चूड़ियां, देवालय क्षेत्र और लोहा अस्त्रों के नुकीले अग्रभाग प्राप्त हुए हैं। कसराबाद खरगोन, डांग वाला उज्जैन, इंद्रगढ़ मंदसौर, नवदा टोली महेश्वर। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का वह स्थल जहां पर हाथी दांत की चूड़ियां, देवालय क्षेत्र एवं लोहा अस्त्रों के नुकीले अग्रभाग प्रमुखता से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश का वह स्थल जहां हाथी दांत की चूड़ियां, देवालय क्षेत्र, लोहा अस्त्रों के नुकीले अग्रभाग प्रमुखता से प्राप्त हुए हैं। चलो तो काफी लोगों ने आंसर लगाया, इसका सी जगा रहे हैं काफी लोग। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना, हाथी दांत की चूड़ियां, देवालय क्षेत्र, लोहा अस्त्रों के नुकीले भाग, मंदसौर में प्राप्त हुए बेटा, मंदसौर में, इंद्रगढ़। देखो भले ही आपको इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ चीजें नहीं मिल रही है, तो आप लोग इसको याद रखो, अभी इसके पहले काफी कम लोगों को पता था कि इंद्रगढ़ पौराणिक क्षेत्र या पुरातात्विक क्षेत्र मंदसौर में स्थित है। ऐसे भी याद रखो कि इंद्रगढ़ मंदसौर, ठीक है, डांग वाला उज्जैन याद रखना, कसराबाद खरगोन, तो इंद्रगढ़ से मिला है हाथी दांत की चूड़ियां, देवालय क्षेत्र और नुकीले अग्रभाग वाले सिक्के और अग्रभाग वाले हथियार। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उज्जैनी, उज्जैन मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर, उज्जैनी की ऐतिहासिक जानकारी गढ़कालिका स्तूप से प्राप्त होती है, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, उज्जैन को मध्य प्रदेश का संस्कार राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। ए बी सी डी आपको बताना है, इसमें से असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो अच्छे से और बताओ आपके हिसाब से गलत कौन सा है। बढ़िया, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका आंसर है आपका डी, उज्जैन को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है, गलत है, क्योंकि संस्कार राजधानी क्या है बेटा? जबलपुर है। संस्कार राजधानी क्या है? जबलपुर है। तो याद रहे, संस्कृति राजधानी, उज्जैन को मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी कहा जाता है, जबकि जबलपुर को
मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है? मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग राजधानी के नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताइए। ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? कमेंट करके बताएं। ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, बहुत बढ़िया, सिंगरौली। बहुत बढ़िया, सभी को पता है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखना, सिंगरौली के बाद में, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है पुरातात्विक स्थल संबंधित जिला? बिलावली, देवास, पीपरिया, सतना, पसेवा, मंदसौर, पवाया, मुरैना। मतलब ये चार जगह के नाम है पुरातात्विक क्षेत्र, और आपको बताना है कि कौन सा जिला है जिसमें नहीं है वो। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आया है विनोद, डी सोनू, डी जयश्री, डी ममता, नम्रता, शिखा, कुसुम। कुसुम के बाद में नेहा, पूजा, अनुराग, प्रीति, संध्या, सब लोग डी लगा रहे हैं एक साथ। देखते हैं डी है भी या नहीं। पता लगा कि एक फ्लो फ्लो में सबने लगा दिया एक के पीछे एक, और डी गलत हो गया। काजल, काजल लगा रहे हैं बी, पीपरिया सतना। देखो काजल ने लगाया पीपरिया, लगाओ फटाफट सब लोग जल्दी से। नीलम लगा रहे बी, पीपरिया सतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लग रहा है डी और बी में चल रहा है कंपटीशन। आंसर है इसका पवाया। पवाया ग्वालियर के किनारे पर है, ना कि मुरैना। सब लोग याद रखना, पवाया जो है आपका वो ग्वालियर के किनारे पर है, और सिंध और पार्वती नदी के संगम के पास में स्थित एक जगह है जिसका नाम है पवाया। और नागवंशी जो रहे ग्वालियर के पदम पवैया, ठीक है, पद्मावती वाले, पदम पवैया वाले जो है, वो आपका राजधानी क्षेत्र था उनका, पवाया ग्वालियर। ठीक है, पदम पवैया वाले, ठीक, पदम पवैया के बाद में अगला है। पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में मृदभांडों में स्टैंड रहित, स्टैंड सहित कटोरे, तस्तरी मतलब प्लेट, और धार्मिक दृष्टि से यज्ञशाला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मध्य प्रदेश में पुरातात्विक साक्षी या पुराने जो प्रूफ है उसके हिसाब से देखें तो स्टैंड रहित सहित कटोरे, तस्तरी प्लेट वाले ढक्कन वाली कटोरी, कटोरी और प्लेट है, धार्मिक दृष्टि से यज्ञशाला हमें कहाँ से प्राप्त हुए? डांग वाला उज्जैन, एरन सागर, नौदा टोली, खरगोन, आदमगढ़, होशंगाबाद। नहीं, वो पुरातात्विक स्थल है बेटा, पूरा वो अलग है, वो अलग है और ये अलग है। जैसे बिलावली इंदौर में भी है, बिलावली जो तालाब है वो इंदौर में है, लेकिन बिलावली देवास में भी है पुरातात्विक स्थल, बिलावली की गुफाएं। ठीक है, ऐसा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे सभी का आंसर आ चुका है जैसा मैं देख पा रहा हूँ। उज्जैन से डांग वाला, उज्जैन से डांग वाला क्षेत्र में मृदभांड मिले हैं, कटोरे स्टैंड युक्त मिले हैं, जिस कटोरे जिनमें स्टैंड है, यज्ञशाला, ताम्र बर्तन, ये सब मिले हैं आपके उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर डांग वाला क्षेत्र से। डांग वाला क्षेत्र के बाद अगला क्वेश्चन है, किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातात्विक संग्रहालय सांची की स्थापना की थी? ठीक है, ओरिजिनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सांची जो है उसकी स्थापना की थी, ओरिजिनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ सांची का स्थापना किया था तो चार्ल्स कोरिया ने, जॉन मार्शल ने, मार्शल डुरंड ने, या थॉमस रो ने? क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 10 पे काफी लोग सही कर रहे हैं, बढ़िया है। 10 का आंसर आया है बी, बहुत बढ़िया, जॉन मार्शल ने। तो सांची की पहाड़ी पर पुरातात्विक संग्रहालय सांची की स्थापना जॉन मार्शल ने की थी। ठीक है, जॉन मार्शल ने इसकी स्थापना की थी। जॉन मार्शल के बाद हम आगे बढ़ेंगे, अभी हमारी क्लास खत्म नहीं हुई है, लेकिन जितने भी लोग क्लास में बैठे, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक कर दो वीडियो को। 33 लोग लाइव दिखा रहे हैं, तो वीडियो पे कितना लाइक होना चाहिए? कम से कम
33 लाइक तो होना ही चाहिए, ठीक है? 33 लाइक है क्लास में, तो 33 लाइक तो बनते हैं वीडियो पे, ठीक है? तो 33 लोग दिख रहे हैं अभी हमको, तो देख लेते हैं कितने लोग लाइक करने वाले हैं। देखो 23 लाइक तो हो गए, 23 लाइक तो हो चुके हैं, देख लेते हैं एक बार रुक करके कितने लोग लाइक कर रहे हैं। 26 लाइक हो गए, कर दो फटाफट जो बचे हुए हैं आप लोग, फटाफट कर दो, आगे बढ़ेंगे फिर हम। 29 हो गए, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से बस अब अगली बार रिफ्रेश करूँगा तो मुझे वो 33 के ऊपर दिखा देगा, क्या बोलते हो आप? देखो लोग 30 हो गए और लाइक भी 30 हो गए, मतलब 3 लोगों को बुरा लगा कि हमको लाइक करने के लिए बोल दिया, तो शायद वो चले गए, ठीक है? चलो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और कंटिन्यू करेंगे क्लास को, सब लोग ध्यान देना। तो आगे चलते हैं और कंटिन्यू चलते हैं क्लास को, ठीक? आप लोग याद रखें सब लोग, थर्ड क्लास है हमारा सुबह से, 8 बजे वाला हो गया, 10 बजे वाला हो गया, 12 बजे का क्लास है, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, ठीक? आगे देखते हैं, किस वेद के अंतर्गत प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा का उल्लेख रेवा के रूप में किया जाता है? मतलब हमारी नदी जो है नर्मदा, उसका नाम रेवा, नर्मदा का नाम रेवा हमें किस वेद में मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, आपको बताना है। मध्य प्रदेश की नदी नर्मदा का वर्णन रेवा के रूप में किस वेद में मिलता है? कौन सा वेद है जिसमें मिलता है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 11, और 11 का देखो आंसर आया है डी, डी लगा रहे सब लोग, देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऋग्वेद, सही है? ऋग्वेद में कहाँ पे किया गया बेटा? ऋग्वेद में प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा का नाम रेवा से किया गया है, उसमें बताया गया है कि रेवा का विवाह पुरुकुत्स से हो जाता है, और पुरुकुत्स क्या करता है, नदी का नाम नर्मदा रख देता है, ठीक है? याद रहे। इसके बाद आगे है आपका, नागवंशी शासक वशनाग का मोनेय गंधर्वों से युद्ध होने का किसने सहायता किया था? नागवंशी शासक थे वशनाग, वशनाग का मोनेय गंधर्वों से युद्ध हो गया था, मोनेय गंधर्वों से युद्ध होने के बाद जो नागवंशी शासक है उनकी मदद किसने की थी? तो पुरुकुत्स ने की थी, परशुराम भगवान ने की थी, अमावसु ने की थी, या सहस्त्रजीत ने की थी? बिल्कुल, दक्षिणपंथी भी कहा गया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सब लोग सही दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात ही है। मैं सबको बता दूं कि नागवंशी जो है आपके कहीं ना कहीं ग्वालियर, हमारे मध्य प्रदेश का भी पढ़ा था ना हमने, पदम पवैया वाले जो क्षेत्र थे, तो ये वो लोग नहीं है, ठीक है? उसके भी पहले वाले नागवंशी ही है, और हमारे मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में रहा करते थे, बुंदेलखंडी वाले क्षेत्र में ये एरिया था नागवंशियों का, ठीक है? तो इनकी लड़ाई थी, इनके विवाद थे, इनकी बनती नहीं थी, किससे नहीं बनती थी, गंधर्वों से। तो बस यमुना नदी और जो गंगा नदी है, सब लोग ध्यान से देखना, तो ये जो यमुना और गंगा के ऊपर वाला भाग दिख रहा है ना, यहाँ पे गंधर्व रहा करते थे, इनका लड़ाई था किसके साथ में, ये बुंदेलखंड के लोगों के साथ में, ठीक है? तो बुंदेलखंड के लोगों के लिए वो एक शब्द यूज किया करते थे, नाग, ठीक है? ये नाग है और नागवंशी थे ये, और वो खुद गंधर्व थे। तो जब युद्ध होता था तो इनके बीच में युद्ध होते थे पहले के समय, तो उस समय इनकी मदद की थी इक्ष्वाकु वंश के राजा मांदाता ने, मांदाता ने अपने पुत्र को, राजा मांदाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को भेजा था कि जाओ भैया पुरुकुत्स और मदद करो नागवंशियों की, किसको हराने में, गंधर्वों को हराने में। पुरुकुत्स ने अपनी सेना के साथ में मदद की, जब जीत गए नागवंशी, जीत गए, तो नागवंशी ने जीत की खुशी में अपनी कन्या जो वृषनाग था, वृषनाग ने अपनी बेटी रेवा जो नर्मदा जो था उसकी शादी किससे कर दी, पुरुकुत्स से कर दी। तो उसने खुश होकर यहाँ की एक नदी, सबसे बड़ी नदी जो यहाँ पर बहती थी जिसका नाम नर्मदा था, तो उसने उसका नाम नर्मदा रख दिया, रेवा से नर्मदा, ठीक है? शादी जब हुई तो उसने नाम चेंज कर दिया, ये पूरी कहानी है इसकी, ठीक है? आगे देखते हैं, याद रहे ये युद्ध और विवाह, जैसा मैंने बताया पूरी कहानी वही की वही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? कि युद्ध हुआ और उन्होंने फिर राजा मांदाता ने खुश होकर, राजा मांदाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को भेजा वृषनाग की सहायता से, वृषनाग ने जीत कर अपनी पुत्री, वृषनाग की पुत्री रेवा नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया, ठीक है?
से करने के बाद अगला क्वेश्चन है, अनुश्रुति के अनुसार, सुने सुनी कहानियों के अनुसार, नलपुर के राजा, जो नलवर नलपुर के राजा जो थे, नल दमयंती कौन से राज्य की राजकुमारी थी? मतलब जो नलपुर नरवर के राजा जो थे नल, उनकी पत्नी थी दमयंती। नल दमयंती की कथा है ना, नलवर में आपने सुना होगा, नलपुर नरवर में आपका नल दमयंती की कथाएं चलती है। तो उसमें राजा नल की पत्नी दमयंती कौन सा राज्य की राजकुमारी थी? चेदी, चेदी की राजकुमारी थी, चेदी जनपद के राजा कौशिक की राजकुमारी मतलब बेटी थी, विदर्भ देश के राजा भीमरथ की बेटी थी, महिष्मती के राजा तालझंग की बेटी थी, या दक्षिण कोशल के राजा दंडक की बेटी थी दमयंती? आपको बता दे कि क्लास में सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो भीमरथ की पुत्री थी, विदर्भ के राजा भीमरथ की पुत्री थी कौन? दमयंती। याद रखे सब लोग, दमयंती किसकी बेटी थी? विदर्भ देश के राजा भीमरथ की बेटी थी। अगला है आपका, उसके पहले ध्यान देना, विदर्भ जो क्षेत्र है आपका महाराष्ट्र के अंदर आता है, वहां की पुत्री थी वो भीमरथ की राजकुमारी थी नल दमयंती। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थान जहां पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिए थे, चित्रकूट, उज्जैनी, अमरकंटक और महिष्मति। मध्य प्रदेश का वह धार्मिक स्थल या धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल जहां पे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिए थे, चित्रकूट, उज्जैनी, अमरकंटक और महिष्मति। ध्यान से, चित्रकूट, उज्जैनी, अमरकंटक और महिष्मति, बाल अवतार लिए थे ब्रह्मा विष्णु महेश ने। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है चित्रकूट, माता अनुसुईया का आश्रम, भूलना नहीं है। माता अनुसुईया के आश्रम में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार का, ठीक है, लिया था। अत्रि, ऋषि अत्रि की पत्नी थी ये माता अनुसुईया। ऋषि अत्रि की मृत्यु के बाद में सती हो गई, सती है ये, और अनुसुईया माता ने यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल अवतार यहाँ पर धारण लिए थे। ठीक है, और माता अनुसुईया के बाद में अगला है, आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पे था? आदि कवि वाल्मीकि जी जो थे उनका आश्रम कहाँ था? तो भगीरथी नदी गंगा के किनारे पे था वाल्मीकि जी का आश्रम, कालिंदी नदी यमुना के तट पे था, स्वर्ण नदी सोन नदी के तट पे था, या तमसा या तोंस नदी के किनारे पे था? नदियों के पुराने नाम भी दे रखे हैं और नए नाम भी दे रखे हैं, जल्दी से देखो। आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे, किस नदी के तट पे था? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नम्रता, बाबू, कुसुम, जयश्री, नेहा, ममता, संध्या, काजल, विनोद, अनुराग, बहुत बढ़िया। पूजा, आभा, नीलम, नेहा, प्रीति, रश्मि, बहुत बढ़िया। तो ऋषि वाल्मीकि का आश्रम जो है वो तमसा नदी टोंस पे था, और यहीं पे लव कुश ने भी जन्म लिया था। बिल्कुल सही, लव कुश का जन्म भी यहीं हुआ था। तो याद रहे, तो सीता जी का जब निर्वासित किया गया था तो सीता जी का जीवन यहीं पे व्यतीत हुआ था, और वाल्मीकि जी आश्रम जो है उसमें यहीं पे जन्म हुआ था, तमसा नदी या टोंस नदी पर स्थित है। आगे है, भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ऋषि जमदग्नि, ऋषि अंगिरा, ऋषि वशिष्ठ या ऋषि कश्यप? भगवान कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? बहुत बढ़िया। तो बी ऋषि अंगिरा, और ऋषि अंगिरा का ही नाम क्या है? संदीपनी। ठीक है, तो याद रहे संदीपनी थे ऋषि गुरु अंगिरा संदीपनी, जिनके आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी, और इनके आश्रम का नाम क्या है? संदीपनी आश्रम या अंकपात आश्रम, ये पूछा था मैंने अंकपात आश्रम पिछली बार, तो अच्छे अच्छे लोगों का गलत हो गया था। अंकपात आश्रम याद आया, अंकपाद आश्रम। चलो अंकपाद याद रखना, ये गड़बड़ कर देता है। अंकपाद, अंकपाद आश्रम या सांदीपनि आश्रम, बलराम श्री कृष्ण सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। बलराम श्री कृष्ण सुदामा के बाद में अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कब भीम बेटिका को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया? 1960,
1986, 1990 और 2003। स्पीड से करो सब लोग, स्पीड से। हाँ चलिए मैं याद दिलाता हूं, क्वेश्चन क्या है सुनो। भीम बेटिका को नेशनल राष्ट्रीय महत्व का दर्जा यूनेस्को विश्व विरासत 2003। बाबू ऑलराउंडर, यूनेस्को विश्व विरासत 2003। राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कब दिया है? तो राष्ट्रीय महत्व का दर्जा भारत सरकार ने दिया है 1990 में, याद रहेगा सबको, 1990 में। ठीक है, याद रहेगा, यूनेस्को के विश्व विरासत में 2003। सबको समझ में आया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला है? राष्ट्रीय महत्व। ठीक है, गड़बड़ नहीं करेंगे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नया क्वेश्चन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यूनेस्को के अंदर हुआ था 2003 में, और नेशनल लेवल पे हुआ था राष्ट्रीय महत्व का दर्जा 1990 में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो 1990 में राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया भीम बेटिका को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला है, उज्जैन का शासक चष्टन कौन से वंश का शासक था? चष्टन कौन से वंश का शासक था? शुंग वंश, ओलिंकर वंश, कर्दामक वंश या सातवाहन वंश? उज्जैन का शासक चष्टन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगी गलती। उज्जैन के शासक चष्टन के बारे में प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 18, चष्टन कौन से वंश का शासक था? शुंग वंश, ओलिंकर वंश, कर्दामक वंश या सातवाहन वंश? उज्जैन का शासक चष्टन, बिल्कुल सही, इसका आंसर आएगा बिल्कुल सही। ठीक है, और काफी लोग सही किए हैं। तो चष्टन जो था वो कर्दामक वंश का शासक था, याद रखना, कर्दामक वंश का शासक था चष्टन, उज्जैन का शासक था। शक वंश की शासक है, तो चष्टन जो है वो शक था। ठीक है, और चष्टन के बारे में क्या याद रखना है? उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। शक वंश का वह शासक जिसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी, कौन था? चष्टन था वो। ठीक है, चष्टन ही था वो। चाष्टन जो है आपका वो कर्दामक वंश से संबंधित है, जो शक वंश की एक शाखा है, शकों की एक शाखा है चष्टन, कर्दामक वंश। ठीक, अगला है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क प्रथम के 300 से अधिक सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए? कनिष्क के 300 से अधिक सिक्के, उज्जैन, विदिशा, शहडोल, हरदा। कनिष्क के सिक्के मिले हैं मध्य प्रदेश से 300 से अधिक, कहाँ पर मिले हैं बताइए? मध्य प्रदेश में कहाँ पर कनिष्क के 300 से अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? उज्जैन, विदिशा, शहडोल, हरदा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर काफी लोग लगा रहे हैं, सी, शहडोल की तरफ जा रहे हैं मैक्सिमम लोग। और सही आंसर क्या है इसका? शहडोल। आप लोग याद रखना, कनिष्क के 324 सिक्के प्राप्त हुए हैं शहडोल से, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, और उसके सिक्के प्राप्त हुए शहडोल से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 324 सिक्के। 324 सिक्के के बाद में खाम बाबा स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा स्तंभ है? जो खाम बाबा स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है, हेलियोडोरस स्तंभ, गुर्जरा स्तंभ, एरन स्तंभ या रूपनाथ स्तंभ? नाम बताना है आपको कि ये जो खाम बाबा स्तंभ है ये किसका किसका नाम है? ये क्वेश्चन नंबर 20, और 20 के बाद में बढ़िया, काफी लोगों ने 20 का सही आंसर लगाया, ए, हेलियोडोरस स्तंभ। ठीक है, ए, हेलियोडोरस स्तंभ। तो याद रहे, बेस नगर विदिशा, बेस नगर विदिशा। खामबाबा स्तंभ, हेलियोडोरस स्तंभ या गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो खामबाबा स्तंभ या गरुड़ स्तंभ या हेलियोडोरस स्तंभ, जो कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार किया था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है इस स्तंभ से। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, अभी क्लास हमारा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन हो गए 20। क्वेश्चन कितने हो गए? 20।
अब जितने भी लोग क्लास में, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो सब लोग लाइक कर दो वीडियो को, वीडियो को लाइक कर दो सारे लोग, ठीक है। अगर आपको क्लास अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, अगर आपको पसंद आ रही है क्लास, तो वीडियो को लाइक कर दो सारे लोग, सारे लोग लाइक कर दो फटाफट से, सारे लोग लाइक कर दो। आगे बढ़ेंगे फिर आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। चलो, हमारे लाइक करवाने की जो बात थी वो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर दिया कर दिया, चलो बढ़िया है, फिर तो शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना, रुको। चल तो आगे देखते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बघेलखंड के मगध वंश का प्रथम शासक कौन था? भद्रमग्ग, शिवमग्ग, हरिमग्ग, भीमसेन। बघेलखंड के मगध वंश का प्रथम शासक कौन था? बघेलखंड के मगध वंश का प्रथम शासक कौन था? भद्रमग्ग, शिवमग्ग, हरिमग्ग या भीमसेन? बघेलखंड के मगध वंश का प्रथम शासक कौन था? चलो, तो बघेलखंड के मगध वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर डी लगाया है काफी लोगों ने, और बिल्कुल सही आंसर है। देखो, दूसरी और तीसरी शताब्दी में मध्य प्रदेश के बघेलखंड में एक वंश आया जिसका नाम है मगध वंश, और मगध वंश का जो राजा था पहला, वो भीमसेन है, नाम है उसका भीमसेन, उसने स्थापना की थी मध्य वंश की। मगध वंश के बाद में पुष्यमित्र ने किसे विदिशा का राजकुमार या युवराज बनाकर भेजा था? विदिशा का युवराज बनाकर भेजा था अग्निमित्र को, देवभूमति को, कृष्ण वर्मन को या देवधर को? नाम सुना होगा, पुष्यमित्र ने किसे विदिशा का युवराज बनाकर भेजा था? क्वेश्चन नंबर 22, और ए आंसर लगाया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 पे अधिकतर लोगों के द्वारा, बढ़िया, ए ही इसका सही आंसर है, अग्निमित्र, ठीक है। पुष्यमित्र ने किसे विदिशा का युवराज बनाकर भेजा था? अग्निमित्र को भेजा था। आपको याद रखना है कालिदास की रचित मालविका अग्निमित्रम, उसमें अग्निमित्र का नाटक है जिसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंगों के बारे में चर्चा मिलती है, मालविका और अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, मालविका राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंगों के बारे में मिलता है मालविका अग्निमित्रम कालिदास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश के कौन से स्थान को स्वभोग नगर के रूप में स्वीकार किया था? स्वभोग नगर के रूप में, तो सागर, विदिशा, उज्जैनी या कुंडलपुर, दमोह? गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश के कौन से स्थान को स्वभोग नगर के रूप में स्वीकार किया था? बहुत बढ़िया, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो ए सागर आएगा, एरन, एरन को किया था, तो आप लोगों को याद रखना, एरन, स्वभोग नगर के रूप में एरन को स्वीकार किया था। एरन जगह का नाम पता है ना, सागर में एरन, सती प्रथा के साक्ष्य वगैरह मिले जहां से, ठीक है, तो वो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त के द्वारा स्वभोग नगर के रूप में स्वीकार किया गया क्षेत्र एरन। एरन के बाद में आगे देखना, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के अंतर्गत विदिशा के शासक को पराजित किया था, विदिशा के शासक का नाम क्या था? क्वेश्चन समझो कि समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान में विदिशा के राजा को हराया था, समुद्रगुप्त के विजय अभियान में विदिशा के राजा का नाम क्या था जिसको हराया था? विंध्य शक्ति, अग्निमित्र, श्रीधर वर्मन या प्रवरसेन प्रथम? जल्दी बताइए, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के अंतर्गत विदिशा के शासक को पराजित किया था, उसका नाम क्या था? विंध्य शक्ति, अग्निमित्र, श्रीधर वर्मन या प्रवरसेन प्रथम? चलिए, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 24 का सी, श्रीधर वर्मन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
याद रहे समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है उसके स्तंभ लेखों से, वहां पर लिखा है कि उसने शक सामंत, शक वंश का एक सामंत था जो विदिशा में था, श्रीधर वर्मन, उसको हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने श्रीधर वर्मन को हराया था। ध्यान देना, समुद्रगुप्त ने श्रीधर वर्मन को हराया था। श्रीधर वर्मन के बाद में आगे देखना, गुप्त वंश के कौन से शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमार गुप्त ने या रामगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि? ध्यान से, गुप्त वंश के कौन से शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? बहुत बढ़िया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर आएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उपाधि धारण की थी, और यह उपाधि उसने धारण क्यों की थी? क्योंकि उसने शकों को हराया था। ठीक है, इसलिए उसने शकारी की उपाधि भी धारण की थी। ये लिख लेना, शकारी उपाधि। ये पूछते हैं कि उज्जैन के किस शासक ने शकारी की उपाधि धारण की, शकों को हराने वाला, शकारी। ठीक है, तो गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, साथ में शकों को हराया इसलिए उसने शकारी की भी उपाधि धारण करी है। याद रखना सब लोग, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तुमेन, एरन, सुपिया, इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश के या गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तुमेन, एरन, सुपिया या इनमें से कोई नहीं। आभा, आप अपने क्वालिटी, वीडियो का क्वालिटी, यूट्यूब पे एक फीचर होता है वीडियो की क्वालिटी, आपके वीडियो की क्वालिटी ऑटो सेट करी हुई है, ऑटो से हटा दो उसको और उसको हाई कर दो। ठीक है, तो आपको अच्छा दिखने लग जाएगा। बहुत से लोगों के मोबाइल में वीडियो की क्वालिटी ऑटो सेट रहती है तो उससे क्वालिटी कभी कभी कम हो जाती है, ठीक है, स्पीड के कारण। ठीक, जिस जिसको स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है सब लोग वीडियो क्वालिटी को, ठीक है, हाई कर दो, हाई कर दो आप सब लोग। कर दिया, चलो आगे देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में, क्वेश्चन नंबर 26, सी इसका आंसर दिया है काफी लोगों ने, बिल्कुल सही, सूपिया अभिलेख। स्कंदगुप्त काल में, स्कंदगुप्त काल का यह अभिलेख है। इस अभिलेख की खास बात क्या है? इस अभिलेख की शुरुआत जो होती है ना वंशावली की, वो घटोत्कच से होती है, जबकि श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये जो सूपिया अभिलेख है इसमें श्रीगुप्त से शुरू ना कर कर घटोत्कच से शुरू की गई है पूरी वो नंबर। ठीक है, ध्यान रखो, आगे देखना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, देवगुप्त, महीपाल। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? अभी भी दिक्कत आ रही जय, लेकिन मेरे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास में दिख रहा है मुझे कि प्रॉपर दिख रहा है मुझे, मेरे पास में भी ओपन है एक टैब, मेरे टैब में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। याद रहेगा, कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है वो कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी था। ठीक है, आगे देखना, कुमार गुप्त के बाद में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर निर्माण गुप्तकालीन नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा मंदिर है जो गुप्त काल का नहीं है? नचना कुंठार का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भेड़ाघाट का चौसठ योगिनी मंदिर। फिर से सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर निर्माण गुप्तकालीन नहीं है? नचना कुंठार का पार्वती मंदिर गुप्तकालीन नहीं है, भूमरा का शिव मंदिर गुप्तकालीन नहीं है, तिगवा का विष्णु मंदिर गुप्तकालीन नहीं है, या फिर भेड़ाघाट का चौसठ योगिनी मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 है ये, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आया है डी।
बढ़िया। और डी का अंत क्या है? डी मतलब देखो, नचना कुंठार का पार्वती मंदिर, सब लोग सुनो, पन्ना में है। सतना का भूमरा का शिव मंदिर, कटनी का तिगवा का विष्णु मंदिर, ये सब गुप्तकालीन है। लेकिन क्या है जो गुप्तकालीन नहीं है? जबलपुर भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर कलचुरी वंशकालीन है। ठीक है, याद रखो, कलचुरी वंश से संबंधित है ये। अब आगे देखना, मध्य प्रदेश पुरातात्विक अरुण सोनकिया ने सन 1982 में मध्य प्रदेश के किस स्थान से मानव जीवाश्म के रूप में ऑस्ट्रेलोपिथेकस नरमेंदिस को खोजा था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस नरमेंदिस को खोजा था अरुण सोनकिया ने? नौदा, टोली, हथनोरा, कसरावाद या इंद्रनगर? क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसका आंसर आ रहा है आपका, मैक्सिमम लोग लगा रहे हैं बी। और याद रहे सीहोर होशंगाबाद, देखो सीहोर और होशंगाबाद की सीमा पर स्थित है आपका हथनोरा, और हथनोरा पे उनको मानव खोपड़ी, सबसे बड़ी मानव खोपड़ी मिली थी अजय सोनकिया जी को। ठीक है, अजय सोनकिया जी को खोपड़ी मिली थी, मानव खोपड़ी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोपड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वह अभिलेख जिसमें गुप्त शासक कुमार गुप्त का शरदकालीन सूर्य की भांति बताया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा अभिलेख है जिसमें गुप्तकालीन शासक कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? मध्य प्रदेश का वह अभिलेख जिसमें गुप्त शासक को कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है आपका तुमेन अभिलेख। याद रखना, अशोक नगर में स्थित है चटेरों के निकट तुमेन अभिलेख, ठीक है, जिसमें कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। फ्री क्लास है अभी आपकी जो चल रही थी, आप हमारा प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने को मौका मिलेगा। 4 बजे हमारी प्लस की क्लास चल रही है, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो प्लस के साथ, जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं हमारे बैच कोर्स के साथ में, डाउट क्लियरिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं आप हमारा, और एक सब्सक्रिप्शन के साथ अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं आप हमारा। ठीक है, बैच कोर्स के बारे में आपको बता दें कि एक नया बैच आ रहा है 23 तारीख से, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जियोग्राफी शुरू किया है मैंने, भारत का परिवहन चल रहा है अभी 4 बजे। ठीक है, तो ज़रूर इसका हिस्सा बने। और इन सब के लिए क्या करना है आपको, मंथ सिलेक्ट करें, कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है ये सिलेक्ट करें, और देन रेफरल कोड डालें भूपेश लाइव। रेफरल कोड क्या है अपना? भूपेश लाइव, जरूर यूज करें, तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको अनअकैडमी प्लस पर। ठीक है, आएगा सोनू कम से कम 10 दिन बाद बेटा, 10 से 15 दिन बाद आएगा। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा आज का सेशन। अब हमारी क्लास ध्यान देना, यूनिट नंबर ये देखो जा, ये हो गए 3 क्लास। अब हमारा 4 बजे क्लास है, 7 बजे क्लास है, और रात में 10 बजे क्लास है। तैयार रहिएगा सब लोग 4, 7 और 10 के लिए। ठीक है, 4, 7 और 10 के लिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और शेयर करें दोस्तों में। कल भी क्लास लगेगी सेम, कल लगेगी मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। कल की क्लास क्या लगेगी? मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तैयार रहना आप सब लोग। ठीक, अभी के लिए करते हैं इतना ही, और मिलते हैं हम लोग जल्द ही।